यूपी के बुलंदशहर में राष्ट्रीय लोकदल के नेता हाजी यूनुस ने अपने भतीजों पर फरौती देकर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस ने बताया कि उन्हें मारने के लिए दिल्ली के एक छात्र गैंग को उनके भतीजों द्वारा 40 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। हाजी यूनुस ने अपने भतीजों पर छात्र गैंग से संबंध होने का भी आरोप लगाया है। हाजी यूनुस ने कहा कि उन्हें गैंग की क्लिपिंग भी मिली है, जिसको वह जल्द ही पुलिस और प्रशासन को सौंपेंगे। यही हत्या नहीं जो भाड़े पर करवाई है, पहले मेरे भाई की हत्या भी इन्होंने करी है, और जो मेरी भाभी की हत्या हुई थी वो भी षड्यंत्र इसी टाइप का था। और अब तो मुझे लगने लगा कि शायद उन दोनों से पहले ये मुझे मानना चाहते थे, लेकिन इनका इन्होंने पहले अपनी सौतेली माँ को मार दिया और फिर मेरे भाई का मर्डर कर दिया। अब क्योंकि मैं बचा हूँ, ये हर हाल में मुझे मारना चाहते हैं। कम से कम 3 साल से षड्यंत्र रच रहे हैं। इस 1 साल में 1.5 साल में मैंने बहुत बार शासन को प्रशासन को इसकी इतला दिए, बार बार कहा है कि ये लोग लोगों को पैसे देकर मेरी हत्या कराना चाहते हैं। अभी लगभग 1 महीने पहले मुझ पर एक खबर आई थी कि इन्होंने एक गैंग को लगभग 40 लाख रुपये में मेरा मर्डर तय कर दिया है, जिसमें एक छोटी सी क्लिप मेरे पास उस बदमाश की है, जो मैं अब एडमिनिस्ट्रेशन को दूंगा। जिस टाइप से शातिर बदमाश हैं, जो लोग इनमें से अभी एक भाई इनका जेल में है, मैं प्रशासन से और शासन से ये दरख्वास्त करूंगा कि इन पे एनएसए लगाई जाए, गैंगस्टर लगाई जाए, क्योंकि और भी कई गैंग ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, मेरी जान का और माल का खतरा होता है। लेकिन बहुत शातिर गैंग ऐसे जिन्होंने 85 मर्डर कर रखे हैं, ये उनसे इन्वॉल्व है, परमानेंट उनके ही साथ रहते हैं नोएडा और दिल्ली। सुरक्षा जिस टाइप से कल हमला हुआ है, मेरे लिए सुरक्षा काफ़ी नहीं है और मुझे परमानेंट सुरक्षा दी जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि वहाँ पर कार्टेज जो हैं 9mm के हैं, तो 9mm के पिस्टल भी होते हैं, लेकिन मुझे 99% उम्मीद है कि वहाँ पिस्टल नहीं, 9mm की कार्बाइन भी चलाई गई है। इससे ये हमला हुआ है कि ऊपर वाले ने मुझे बचा दिया, लेकिन एक मेरा सगे भाई जैसे खालिद भाई, जिनका इंतकाल हो गया, और मेरे 6 लोगों के, 2 गार्डों के, 2 ड्राइवरों के और 2 लोगों के और गोली लगी हुई है। ये इतना बड़ा कांड है कि इसके लिए 2 नहीं 4 नहीं कम से कम 6 सुरक्षाकर्मी मुझे दिए जाए, क्योंकि मेरी बीवी अभी मौजूदा ब्लॉक प्रमुख है, इससे पहले मैं ब्लॉक प्रमुख था। मैं गाँवों में भी जाता हूँ, विकास के काम के लिए भी जाता हूँ, पब्लिक से मिलने भी जाता हूँ, इसलिए ये सुरक्षा। हाजी यूनुस ने बताया कि पूर्व में भी उनके भाई और उनकी भाभी की उनके भतीजे द्वारा हत्या कराई गई थी, जबकि हाजी यूनुस ने पुलिस द्वारा मिली सुरक्षा को भी नाकाफी बताया है। रालोद नेता यूनुस ने कहा कि जिस तरीके से स्वचालित हथियारों से जानलेवा हमला हुआ और मेरे एक साथी की मौत के साथ 5 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, कम से कम उन्हें 6 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने चाहिए। हाजी यूनुस पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, जबकि वर्तमान में उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं। उन्हें विकास कार्यों के लिए गांव-गांव जाना पड़ता है, जिससे उनकी जान को खतरा बना हुआ है। वहीं आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए बुलंदशहर SSP संतोष कुमार सिंह की ओर से सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ 25,000 के इनाम की भी घोषणा की गई है। वादी के द्वारा कुल 6 नामित अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा साजिश के तहत दर्ज कराया गया, जिसमें से एक अभियुक्त अनस, जो इनका सगा भतीजा है, वो पूर्व से जेल में निरुद्ध है। शेष 3 भतीजे इनके और हैं, उनमें से एक दानिश 2 दिन पहले प्लानिंग के तहत विदेश चला गया है, और एक हारिश है जो इनके ही भतीजे जैद का साला है, वो भी विदेश UAE में है। एक इसमें अन्य अभियुक्त जैद है, जैद के बारे में था, उसके पास पासपोर्ट है, हमने उस संबंध में लुकआउट नोटिस जारी करा दिया है, और सभी नामित अभियुक्तों के विरुद्ध 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि की घोषणा आज की गई। आपको बता दें कि इससे पहले बुलंदशहर पुलिस द्वारा फरार आरोपियों का लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। Time24 न्यूज के लिए इकबाल सेफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।